अनेक जगहों पर मोबाइल इंटरनेट सेवा ठप, 3 आतंकियों के मारे जाने के बाद उठाया गया कदम। श्रीनगर में 30 से अधिक जगहों पर मोबाइल इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला था कि रामबाग मुठभेड़ के बाद कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को हिंसा के लेकर उकसा सकते हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। कटरा से भवन तक फ्री वाईफाई, जल्द श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी सुविधा। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को फ्री वाईफाई सुविधा मिलने जा रही है। जम्मू कश्मीर के सूचना और तकनीकी विभाग ने इसका प्रस्ताव केंद्रीय सूचना और तकनीकी मंत्रालय की स्वीकृति के लिए भेजा है। बजट में जम्मू कश्मीर के लिए खुलेगा खजाना, आर्थिक गतिविधियों पर होगा केंद्रित 2022 का बजट। जम्मू कश्मीर में आगामी 2022-23 बजट के लिए केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लिए अपना खजाना खोलेगा। जम्मू दौरे के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके लिए संकेत दिया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना से अपनों को खोने वालों के खाते में आएंगे 50,000 रुपए। कोरोना संक्रमण से मौत के 4,000 से ज्यादा मामले में सरकार परिजनों को 50,000 रुपए की राहत राशि सीधे उनके खाते में डालेगी। इस प्रक्रिया को 2 माह के भीतर मुकम्मल किया जाएगा। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने बताया कि बुधवार को आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी में बैठक के दौरान इसकी मंजूरी दी गई। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए के शोपिया में 6 जगहों पर छापेमारी जारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के टेरर फंडिंग मामले में कश्मीर संभाग के विभिन्न जिलों में छापेमारी जारी है। शोपिया जिले के वाची और जैनपुरा इलाके में फिलहाल आज यानी वीरवार सुबह से एनआईए के करीब 6 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। महेशपुरा चौक पर फिर ताजा हुई शहादतों की कहानियां। पीओजेके के विस्थापितों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। वीरवार को फ्रंट की ओर से महेशपुरा चौक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इस वर्ग के लोगों ने नेताजी के चौक महेशपुरा में बने स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन धारण करके शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। विदेशी मुल्कों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने में सीरम सबसे आगे। भारत ने कोरोना टीकाकरण में 100 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य हासिल कर लिया है। वहीं अब देश में कोरोना टीकों का पर्याप्त स्टॉक भी है। ऐसे में सरकार एक बार फिर कोरोना वैक्सीन का निर्यात शुरू करने की योजना बना रही है। अनिल देशमुख से जुड़े अवैध वसूली मामले में सचिनबाजी की पेशी। परमवीर सिंह को चेतावनी। गुरुवार को चांदीवाल कमेटी ने परमवीर सिंह के आरोपों को लेकर सचिनबाजी के बयान पर दोबारा कूट परीक्षण किया।